Hello friends and foodies, this is Ashish and I welcome you to Egg Plate Mumbai. Our sponsors are Calgraph Art, MBP Trust, Savan Navari Readymades and Chintamani Dhotar Art. Guys, aaj Mumbai ki thandi shuru ho chuki hai aur is thandi mein maine socha hai late night ghoomte hain, maze karte hain aur aise hi maze karne nikla hu aur bhook lag chuki hai. As always main khane ja raha hu mera one of the favorite dish. Almost every second Mumbaikar ka favorite dish ho sakta hai and a very common and very well known street food. So wo kya hai? Let's find out. तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं हमारे स्पॉट पे जिसका नाम है द टर्निंग पॉइंट, जो कि बिल्कुल टर्निंग पॉइंट के बिल्कुल सामने है. लोअर परेल स्टेशन और करी रोड के बिल्कुल बीच में है. मुंबई दरबार रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने है और दिस इज द पाव भाजी कॉर्नर. ये स्पॉट जैसे कि सब जानते हैं पाव भाजी स्पॉट है और पाव भाजी इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्ट्रीट फूड अमंग्स इंडियन और मेरा भी बहुत फेवरेट है. ऑलमोस्ट अगर ऐसी चीज है कि अगर कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है क्या खाना है, आई एम गेटिंग कंफ्यूज, पाव भाजी इज द बेस्ट ऑप्शन. और मैं खाने वाला हूँ यहाँ पर. अनिकेत ने सजेस्ट किया था ये स्पॉट क्योंकि उसका ऑफिस बिल्कुल सामने है एंड ही सजेस्टेड कि यहाँ का पाव भाजी बहुत अच्छा होता है. सो आज मैं फाइंड आउट करने वाला हूँ वो कैसा है. सो लेट्स गो एंड फाइंड आउट. Here is our पाव भाजी जो कि बहुत ही टेम्पटिंग लग रही है. गर्मा गर्म बन कर आई है. ढेर सारा बटर है, धनिया है, यहाँ पे सोना है 140 रुपये किलो और यहाँ पे पाव, दिस इज मसाला पाव जिसके अंदर बहुत सारा बटर लगा हुआ है. दैट इज़ अ लिक्विड गोल्ड. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, मुझे बहुत घूमना है, भूख लगी है, मैं इसको फटाक से ख़त्म करता हूँ और घूमने जाता हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. मैं जो चीज़ हमेशा मिसल में करता हूँ वो अभी करने का मन कर रहा है. सो आई विल स्टार्ट दिस. सो मैं इसको बटर को अच्छे तरीके से पहले मिक्स कर लेता हूँ. हियर माय बाइट इज कमिंग. नाइस, इट इज़ नाइस. अनिकेत को थैंक यू कहना पड़ेगा क्योंकि उसने सजेस्ट किया था यहाँ पे आने के लिए. सो अब मैं खाने वाला हूँ मसाला पाव और भाजी. पाव बहुत ही बटरी सॉफ्ट है. गाइस, ऐसा मोमेंट हो जब आप घूमने निकले, ठंड हो और ऐसी गर्मा गर्म पाव भाजी खाने मिले तो मज़ा आ जाए. आप भी ज़रूर आ रहे हैं गाइस, यहाँ पे बहुत अच्छा पाव भाजी है. यहाँ तवा पुलाव भी बहुत अच्छा मिलता है. एंड इफ़ यू आर गाइस आर कमिंग ओवर योर यहाँ ये साइड घूमने आ रहे हैं तो ज़रूर यहाँ पर आइए, यहाँ की पाव भाजी खाइए एंड एन्जॉय दैट. लेकिन मज़ा आ गया. आई सपोज थोड़ी और तीखी होती तो मज़ा आ जाता, लेकिन इट इज़ नॉट एट ऑल बैड. बहुत मज़ा आने वाला है. सो डू कम ओवर योर. यहाँ का एड्रेस और लोकेशन लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में तो देने ही वाला हूँ. ऐसी पाव भाजी खाने के बाद हम बात करने वाले हैं यहाँ के ओनर से. उन्हें थैंक यू देना चाहते हैं, थैंक यू कहना चाहते हैं हमारी तरफ से और आपकी तरफ से. सो लेट मी फिनिश दिस एंड गिव हिम अ थैंक यू. सो अब हम बात करने वाले हैं यहाँ के ओनर से, विनय जी. नमस्ते विनय जी. बहुत ही अच्छा पाव भाजी था, थैंक यू सो मच. तो मैं जान सकता हूँ कि ये स्पॉट है कब से, आपने कब से शुरू किया है ये? 6 साल हो गए. 6 साल से. और यहाँ पर पाव भाजी और तवा पुलाव होता है, राइट? तो जब जब से आपने शुरू किया था तभी से ये दोनों चीज़ें थी? दोनों चीज़ें. और यहाँ के टाइमिंग क्या है, कितने बजे से कितने बजे तक होता है? 6 से 12 है. 6 से 12. और छुट्टी का दिन कोई? छुट्टी का दिन सर कोई नहीं, कभी संडे को छुट्टी हो जाती है. संडे को छुट्टी होता है या संडे को भी? तो गाइज ये जो है ऑलमोस्ट सारे दिन खुला रहता है 6 से 12 बजे तक. ज़रूर आइए यहाँ का पाव भाजी, मैं तो ट्राई कर चुका हूँ, ज़रूर ट्राई कीजिए. विनय जी को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ मेरी तरफ से, आपके सबकी तरफ से, हमारे एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन देकर. सो गाइज ये थी आज की पाव भाजी टर्निंग पॉइंट पे लोअर परेल. और गाइज ऐसे ही हमें फॉलो करते रहिए. फॉलो करने के लिए आपको बस ये करना है कि सब्सक्राइब करना है. वीडियो को लाइक करने के लिए लाइक बटन को हिट कीजिए. एंड गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. एक प्लेट मुंबई.